जगह छम मारे रे स्पेशल पर्स कोई है वो हम नाज़रीन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, शकील अहमद टीवी में खुश आमदीद। तो आज हम यहाँ पहाड़ पे जा रहा है घास लेने के लिए। तो घास काट के सुखाया था, तो अभी मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश होने वाला है, इससे पहले हम वहाँ जा के घास को लेके आएंगे। जगह छम मारे रे स्पेशल कई जैसे। तो नाज़रीन, हमारा सफ़र अभी जारी है। तो एक चीज़ लगाते हैं, ये हमारे गांव का कब्रिस्तान है। ये तो ये गांव का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। और दूसरा जो आपको हाथ में ये बिस्किट नज़र आ रहा है, ये तामा है, क्योंकि हमारे लोग जब भी इधर आता है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं, ताकि जो हमारे मरहूमीन है उनका यहाँ सदका हो। और दूसरी बात, ये हमारे सियाचिन रोड से पहले का यही रोड था, लिंग रोड। तो उस ज़माने में जीप रोड था, जो हाफ बाड़ी होते हैं, तकरीबन 70 की दहाई में। तो नाज़रीन, यहाँ ये बड़ा खेत है, इस पर 2-3 फसल काश्त हैं। ये गंदम तैयार है, काटने के बिल्कुल करीब है। बाकी आलू भी तैयार होने वाला है और मकई भी डाला हुआ है। और वहाँ सामने देख सकते हैं आप मकान है, यहाँ पे रहने के लिए कमरा भी बनाया हुआ है। और ये बीच में इधर नीचे ये देख, ये लोबिया का है, फसल है, ये भी अनकरीब तैयार होने वाला है। ये एरिया का आम है, उसका होता है। चांदोरी नज़र इन्हों ने छड़ो वाले नाजरीन, हम यहाँ पे बकर के एरिया पे मौजूद हैं, यानी बकर डिजर्ट। वो जो सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना सामने, ये बकर है। यानी ये खालिश वाइट मार्बल है सारा, तो इसीलिए इसका नाम यही रखा है। यानी बकर का मतलब है वाइट पत्थर यानी सफ़ेद पत्थर। और दूसरा ये आप देख सकते हैं जगह बना हुआ है, ये सूखा घास रखने के लिए बना हुआ है। ऊपर आर्टिमोटी का छत है पहाड़ का, और नीचे दीवार लगा के ताकि कोई जानवर मवेशी नहीं पहुंचने के लिए बनाया हुआ है। तो नाजरीन ये कनाल बना हुआ है। अब ये सारा इलाका गैर आबाद है, इसको आबाद करने के लिए ये रखा हुआ है, प्रोजेक्ट रखा हुआ है। तो ये अभी काम जारी है इस पर। तो यहाँ से अंडरपास है जाने के लिए, लोगों के लिए रास्ता रखा हुआ है। ऊपर कोहाल है यानी कनाल है। इधर हाथ दियो ना यहाँ मजू। तो ये तरफ सारा गैर आबाद है। अभी उस एरिया में आप देख सकते हैं ये सारा आबाद है। तो बड़ा बड़ा आपको दरख्त नज़र आ रहा होगा, जो ऊंचा ऊंचा है वो सफ़ेदे का दरख्त है, दूसरा बीड़ का है। दे तो यहाँ बंडल बना रहा है, फिर अभी इसको पीठ पे उठा के लेके जाएगा। एक नीचे एक ये हो गया, दो ऊपर। कि चारे के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है। तो नाजरीन ये ग्लेशियर का पानी है, हमारे नाले से जो थंगवा कनाल के ज़रिए यहाँ तक आता है। ये हमारे तारीख़ का सबसे बड़ा यानी सबसे लंबा कनाल है। और ये हमारे बंडल है घास का, इसे हम खुर बोलते हैं, खुर कहते हैं हमारी ज़बान में, यानी लकड़ी का खुर, घास का खुर, इस तरह बोलते हैं। और हम यहाँ पानी पीने के लिए सांस ली है थोड़ी देर के लिए। तो ये खूबसूरत मंजर पानी आता हुआ, ये भीड़ के दरख्तों के बीच से। ये पानी का खूबसूरत मंजर थंगवा कनाल के जरिए आता है। भाई गाने मोल्लास बनी।